सुप्रभात भाइयों बहनों, मैं कर्नल अजय सीओ ajayastromoneyguru.com एवं ऑनलाइन चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 अप्रैल सन 2020, आज की अपडेट में सितारे और आपकी किस्मत, शेयर बाजार में होने वाली हलचल और एक काम की बात। सबसे पहले सितारे और आपकी किस्मत यानी अग्नि तत्व की राशियां 159 यानी वृष मेष सिंह और धनु राशि आपके लिए दिन आज मिश्रित रह सकता है। आप लाभ कमाने की स्थिति में होंगे यदि आप तुरंत निर्णय लें। 2-6-10 यानी वृषभ कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन आज बिल्कुल मुफीद नहीं है, अच्छा नहीं है, परेशानियों में फंस सकते हैं। आपका लंबे समय तक डिसीजन ना लेने की कमजोरी का फायदा आपके विरोधी उठा सकते हैं। आप बिल्कुल सावधान रहें अन्यथा बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। 3-7-11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन तुला और कुंभ राशि आपके लिए दिन आज मिश्रित रह सकता है। बिल्कुल बड़े रिस्क ना लें, छोटे छोटे ट्रेड करें, छोटी छोटी, यदि आपके पास कोई बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, अन्यथा परेशानियों में फंस सकते हैं। 4-8-12 यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशियां जल तत्व की राशियां हैं, आज आपके लिए दिन बिल्कुल मुफीद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल भावनाओं में बहकर कोई बड़ा गलत डिसीजन ना करें। यदि आपसे कोई विवाद है तो उसको धैर्य और शांति से सुलझाए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज शेयर बाजार के अंदर क्या हलचल रह सकती है? आज दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी मीन राशि से अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहा है, और अक्सर ये संक्रमण काल होता है यानी संधि काल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी परिवर्तन होता है या फिर समय रात और दिन का मेल होता है तो ऐसे समय बाजारों के अंदर अक्सर गिरावट देखी जाती है। आज भी बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं, आप विशेष ख्याल रखें, बेहतर रहेगा। कच्चे तेल के अंदर अभी तेजी नज़र आ सकती है, लेकिन इसके अंदर भी अत्यधिक सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा। आप सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर आज नज़र रख सकते हैं, ITI पर नज़र रख सकते हैं, भेल पर नज़र रख सकते हैं, आप BEML पर नज़र रख सकते हैं, और सरकारी क्षेत्र की बाकी कंपनियों के ऊपर मिश्रित धातु या फिर हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा ऑनलाइन चैनल ajayastromoneyguru.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको जब भी हम कोई अपडेट देंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। दोस्तों, एक काम, चल राशियाँ 4-8-12 बहुत ही सेंशियल, बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। दिमाग, बुद्धि, चातुर्य, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इससे ये भरपूर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा भी पैदा कर लेते हैं यदि आप इनके मुताबिक नहीं चलते हैं। कर्क राशि जो है, देखिए चर राशि है, और यदि ये गुस्सा होते हैं तो जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। तो बाजारों के अंदर भी यदि ट्रेडर कर्क राशि से संबंधित रखते हैं तो नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल परवाह ना करें, स्टॉप लॉस दे दें, और मुनाफा भी आप कमाने की स्थिति में रहोगे। आप अपने मुनाफे को तुरंत बुक कर लेते हैं जबकि नुकसान लंबा झेल लेते हैं, यही एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल सावधानी पूर्वक लगाएं, यदि आ जाता है तो दे भी दें। वृश्चिक राशि दोस्तों, आप बहुत ही धैर्य और स्थिर व्यक्ति होते हैं। आपको जो भी निर्णय करता है या करना होता है आप उसको बहुत सावधानी से सोच विचार कर करते हैं और आखिरी तक उस पर बने रहते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छा और एक बेहतरीन तरीका है, किंतु शेयर बाजार के अंदर कुछ भी स्थायित्व नहीं होता है। जो मुनाफा आपका है, जो बुक हो गया, जो आपके बैंक में ट्रांसफर हो गया, वही आपका मुनाफा है, इसका विशेष ख्याल रखें। मीन राशि, जल तत्व की तीसरी राशि होती है मीन राशि दी स्वभाव राशि, ये पल में तुला पल में माशा बहुत जल्दी अपने निर्णय चेंज कर लेते हैं, निर्णय बदली कर लेते हैं। दोस्तों,
कई बार ये बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। आप परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णय बदल कर सकते हैं, परिस्थितियों को देखकर आप उसमें ढल जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन बार बार हर बार निर्णय परिवर्तन करना आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लगा सकता है। विशेष ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।